दादी की गार्डनिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दादी जी आज अपने पोता पोती के साथ लोधी गार्डन जा रही है। ये लोधी गार्डन के रास्ते में हम चल रहे हैं। दोनों तरफ हरियाली है, सुंदर पौधे हैं, सड़कों पे भी बहुत सुंदर सजावट है। ये हमारी एंट्री लोधी गार्डन में हो चुकी है। लोधी गार्डन का अंदर जाने का ये सीधा है। यहाँ भी देखो दोनों तरफ कितनी सुंदर सजावट सजी हुई है, और सामने एक पौधे लगे हुए हैं, ग्रीन ग्रीन हरे हरे और रंग बिरंगे। यहाँ यहाँ पर देखो ये एक औषधि गार्डन भी बना हुआ है। इसमें ये लेमन ग्रास और कई तरह की औषधीय पौधे लगे हुए हैं। ये एलोवेरा है और इधर ये सुदर्शन का पौधा है, घना गहरा। अब ये सहजन का पेड़ लगा हुआ है। ये सुदर्शन, फिर से सुदर्शन आ रहा है, लग रहा है यहाँ पे सामने। और ये इलायची के बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं। साथ में काफी दार्शनिक लोग इस गार्डन को देखने आए हैं, और इस गार्डन की शोभा देखते ही बनती है। यहाँ पे कई प्रकार के औषधीय पौधे लगे हुए हैं, और सुबह सुबह लोधी गार्डन में लोग सैर करने आते हैं, और यहाँ से कुछ पत्ते खाली पेट खाकर भी अपने हेल्थ का लाभ प्राप्त करते हैं। ये ग्वारपाठा है, ये स्नेक प्लांट है जो ऑक्सीजन देता है। ये बड़े बड़े बांस के पेड़ यहाँ पर खड़े हुए हैं, और सुंदर सुंदर छोटे छोटे और भी कई प्रकार के औषधीय पौधे लगे हुए हैं। जैसे हल्दी लगी हुई है और अनार का पौधा लगा हुआ है। इधर हमारे ये भांग के पौधे खड़े हुए हैं। इधर भी देखो सभी औषधीय प्लांट दिख रहे हैं आपको। ये आमा हल्दी लगी हुई है जो चोट में, जोड़ों में दर्द होने से या गठिया बाय होने से इसको खाते हैं। ये जमीन के नीचे होती है। और ये बेल लगी हुई है। ये विदारा की बेल है, काफी फैली हुई है और ये कई बीमारियों में काम आती है। और ये बड़े बड़े पत्तों जैसी होती है और काफी घनी फैली हुई है। इसकी डंडी से भी पेड़ दूसरा उग जाता है। यहाँ पर ये मरवा लगा हुआ है। मरवे के पौधे, मरवे के बीज भी दवाइयों के काम आते हैं। ये एक प्रकार के मनी प्लांट है। ये पौधा, इसका रस निकालते हैं तो वायु विकार में फायदा देता है। ये विदारा की बेल काफी फैली हुई है। ये तेज पात के पत्ते हैं जो हम गरम मसाले में डालते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, जैसे हम अपने चावल वगैरह में भी डालते हैं। इसके पौधे के पास खड़े होने से भी बहुत सुंदर खुशबू आ रही है,
और जिसको हम अपनी कई सब्जियों में, कई मसालों में डालते हैं। यहाँ से फिर से एक इलायची के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, और ये आंवले का और ये बांस का पौधा है, बम स्टिक भी बोलते हैं इसको, और ये काफ़ी घना और काफ़ी बड़ा हो रखा है। और ये पास पास से इसके पौधे दूसरे निकलते रहते हैं। इस तरह से बांस की ये डंडी है, इसको काट लिया जाता है। और यहाँ पे लड्डू गेंदा, कई दो रंग में लड्डू गेंदा लगा हुआ है, बहुत सुंदर इसकी सजावट की हुई है। लोग सुबह शाम यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। ये गुंबद बना हुआ है, ये हमने यहाँ पे भेलपूरी भी खाई थी बैठ के, ये मेरा पोता गर्व सैनी, और हम भेलपूरी का एंजॉय कर रहे थे लोधी गार्डन में आकर। और उसके बाद हमने ये बुढ़िया के बाल ये भी खाए, और बड़ा अच्छी तरीके से हम पार्क में घूमे, और कलरफुल ये बाल खाने का आनंद लिया। यहाँ फिर से लंबी लाइनों में अब गेंदा लगा हुआ है, वहाँ राउंड शेप में था, या ये कमल के फूल इस पानी में लगे हुए हैं, ये सुंदर पीले फूल बहुत सुंदर गार्डन की शोभा बढ़ाते हुए। बैठने के लिए है चारों तरफ, करीब करीब 2.5 किलोमीटर का गार्डन है। मैं लोधी गार्डन का आज सारा तो आपको नहीं दिखा पाऊंगी, और ना ही इसकी अपने शब्दों में बयान कर पाऊंगी। ये डालिया के पौधे लगे हुए हैं, अभी बर्ड्स आए हुए हैं, कई तरह के फूल एक साथ खिलेंगे, अभी एक दो ही खिला हुआ है। ये खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, और इसके साथ साथ पानी का वो बना हुआ है फुवारा, और इस पानी में मछलियाँ भी हैं, और यहाँ पे इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ पे डक बैठी हुई हैं, और प्लेटफॉर्म ऐसे लगता है जैसे हम किसी आइलैंड पे गए हुए हैं। ये सुंदर सुंदर फूल, सीजनली फूलों से गार्डन भरा हुआ है। जैसे ही अगला महीना फरवरी का आएगा, तो आपको फिर से एक बार दोबारा मैं गार्डन की सैर कराऊंगी। ये चलने के लिए फुटपाथ पक्का बना हुआ है, दोनों साइड कच्चे हैं। ये हम गर्व सैनी के साथ बबल्स बनाते हुए, लोकेश सैनी ये मेरा बेटा है, और गार्डन में इतने घने सुंदर पेड़ लगे हुए हैं कि इसकी सुंदरता अपने आप में बनी है। आप देख रहे हैं कि गार्डन कितना सुंदर है, और कितनी सुंदरता से यहाँ पे पेड़ों की मेंटेन की हुई है, और सभी लोग भी इन पेड़ों के साथ छेड़खानी नहीं करते, और ये प्रकृति दिल्ली में सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे अच्छा गार्डन लोधी गार्डन है। इसका राउंड 2.5 किलोमीटर है, इसके कई गेट हैं लोधी गार्डन के, और हर हर उसमें अलग अलग पौधों की सुंदरता बनी हुई है। ये पाम के पौधे हैं, और ये पूरा घना एक पाम के पौधों से ये सीजनली फूल, वाइट छोटे छोटे मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं, और इसमें अंदर ये एक गोल वो बनाकर इसकी सुंदरता भी इतनी सुंदर तरीके से, रंग बिरंगे पिंक वाइट, और यहाँ ये लकड़ी के पेड़ के उससे एक सुंदर प्रतिमा बनाई हुई है। इसके चारों तरफ
छोटे छोटे पौधे, ये बोगन मिलिया कई कलर के, ऑरेंज लाल, ये पर्पल, छोट लाइट ग्रीन, कई तरह के। ये हार्ट शेप में इतना सुंदर, दिल्ली का हार्ट, लोधी गार्डन में गुलदावरी के फूल। देखो ये फाउंटेन चलता है यहाँ पे, और साथ में ये कलरफुल गुलदावरिया, पिंक, ब्राउन, मेहरूम, पर्पल, येलो, लाइट जामनी, बहुत सारे गुलदावरी के पौधे फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगी एक लाइन से, मानो हम धरती के छोटे से एक कोने पर स्वर्ग का आनंद अनुभव करते हुए कितने सुंदर तरीके से इस फाउंटेन के चारों तरफ गुलदावरी के पौधे अपनी शोभा बिखेर रहे हैं। और इस पे ये छोटे छोटे पर्पल फूल, इन फूलों की शेप एक हार्ट जैसी बनी हुई है। यहाँ से इनकी कलंगी देखो, रेड कलर की, कितनी सुंदर। लोधी गार्डन की सुंदरता का मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप कभी दिल्ली आए तो लोधी गार्डन जरूर देखें। ये लड्डू गेंदा यहाँ फिर से लंबी क्यारियों में लगा हुआ है, पटरी के साथ साथ हर कोने की शोभा अलग अलग फूलों से, पौधों से, बड़े वृक्षों से। और ये सीजनली सभी प्रकार के रंग बिरंगे फूल, ये बोगन मिलिया पिंक कलर का, इसमें लाइट पर्पल कलर का, और ये सभी सीजनली पौधों के नाम मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी शोभा अपने आप में इतनी सुंदर तरीके से सजाया हुआ है कि यहाँ बैठकर बहुत अच्छी शांति का अनुभव होता है। ये मेरा पोता भाग कर आया है कि ये इस सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करते हुए, और हमने इस सुंदरता का आनंद लिया। आपको भी इस सुंदरता का अनुभव अपने वीडियो के माध्यम से यहाँ की सुंदरता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मछलियाँ भी तालाब में हैं, इनको आप दाना भी खिला सकते हैं। ये देखो कितनी सुंदर, कैसे शांत बैठी हुई हैं। जैसे ही इनको दाना डालते हैं तो ये एकदम भागकर उस दाने को पकड़ लेती हैं। हर कोने की शोभा अलग तरीके से, डेकोरेशन एक अलग ढंग से सजाया हुआ है, एक एक कोना बहुत सुंदर तरीके से लोधी गार्डन को सजाया गया है। और सुबह शाम यहाँ सब सैर करने के लिए आते हैं, लोधी गार्डन का एंजॉय करते हुए। ये गारुसैनी बबल्स बना रहा है और बहुत हैप्पी हो रहा है। जैसे दिल्ली के छोटे छोटे घरों में बच्चे बंद होते हैं, कैद होते हैं, ये डक्स हैं यहाँ पर। और आज हम इसके कई कोनों में ये
डक्स देखो कितनी सुंदर है, पानी में इधर पानी से बाहर आई हुई है, साथ में इनका तालाब बना हुआ है। ये मिट्टी में से कीड़े, छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। अभी ये जितने भी फूल हैं छोटे छोटे, अगले महीने 10 फरवरी या 12 फरवरी तक बहुत सुंदर कलरफुल होंगे। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर आपको लोधी गार्डन की सैर कराएं।